Hello everyone, a very good evening to all of you. Sorry for the delay. Based on data science, and we have with us Nikita Sarawagi Didi, who has secured All India Rank 73 in the IIT JAM Mathematics Examination 2020. She is currently pursuing her master's at IIT Delhi. Many, many congratulations, Didi, and welcome to today's talk. We also have with us Swetang Singh Bhaiya, who has secured All India Rank 91 in IIT JAM Mathematical Statistics Examination 2020. He is currently pursuing his master's at IIT Kanpur. Many, many congratulations, Bhaiya, and welcome to today's talk. So, this session is divided into two parts. Firstly, I will be asking some questions to our speakers regarding their preparation strategy and other things. Then our attendees can ask their question to our speakers. So I request our attendees to post their queries on the chat box. Also, our attendees can unmute themselves and ask their question during question and answer session. So with your prior permission, Nikita Didi and Swetang Bhaiya, can we start the question and answer session first? Hello? Hello. 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 Can you listen me? Yes. It's audible. Okay. Sure. We can start. Okay. Thank you so much, Priya. Nikita Didi, am I audible? Hello. So I think so Nikita Didi hasn't joined it. She has some technical issues. So Swetang Bhaiya, starting the question with you first. Bhaiya, this interview will be bilingual, so you can feel free to talk in Hindi also. So it will be both in English and Hindi. Okay, sure. Okay. So, Bhaiya, the first question is the syllabus analysis of IIT JAM statistics examination and also different entrance exam of other universities. Is the syllabus different from that of other universities? Yeah, I want to answer this actually. Ye question sabke pass hoga jo bhi statistics mein prepare kar rahe hain. Meri awaaz aa rahi hai clear? Yes, Bhaiya, aa rahi hai, ekdum clear. Theek hai. यहाँ पे मैथ्स और स्टैट्स दोनों के बच्चे हैं? हाँ, दोनों के बच्चे। चलिए अच्छा, पहली चीज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, आपने इसका वीडियो का नाम शायद टाइटल डेटा साइंस दिया ना? हाँ, तो डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है? पहली चीज तो डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स काफी रिलेटेड है, बट दोनों स्ट्रीम्स अलग है, ठीक है? तो हम डेटा साइंस को थोड़ा अलग रखेंगे और स्टैटिस्टिक को अलग। तो पहले स्टार्ट करते हैं जैम के सिलेबस से। तो जैम का जो सिलेबस है उसमें स्टैटिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो उसमें मैथ्स का भी थोड़ा पोर्शन है और थोड़ा स्टैटिस्टिक का भी है, ठीक है? तो मैथ्स के पोर्शन में है एक रियल एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट और थोड़ा सा पार्ट लीनियर अलजेब्रा का, और उसके बाद बचा हुआ पार्ट स्टैटिस्टिक का है। और अगर दोनों के प्रोपोर्शन की बात करें तो लगभग 40% मैथ्स आती है और 60% स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो ये तो हुआ सिलेबस की बात आईटी जैम का। इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्स हैं जो स्टैटिस्टिक के बच्चे परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि एक है ISI का एग्जाम, सबको पता होगा यहाँ पे जो भी स्टैटिस्टिक्स टीम वाले हैं, और मैथ्स वाले भी शायद उसके लिए प्रिपेयर करते हैं एम मैथ के लिए। तो उसका सिलेबस थोड़ा आईटी जैम से और वास्ट है और साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आईटी जैम के सिलेबस में कवर नहीं होते हैं, लेकिन वो ISI के सिलेबस में वो भी कवर होते हैं। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हम लोगों की BSc के सिलेबस में थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ISI के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। फिर एक चीज, हाँ, डेटा साइंस से याद है, डेटा साइंस अगर जिसे परस्यू करना है उसके लिए इंडिया में बेस्ट कॉलेज है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो CMI डेटा साइंस का MSc कोर्स ऑफर करती है,
और काफी अच्छा कोर्स है वो। लेकिन हाँ, एक चीज उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आपको पहले आईआईटी या आईएसआई के लिए ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी फी बहुत हाई है। और सिलेबस की बात है तो उनके स्टेटिस्टिक बहुत बेसिक आती है, मैथ्स काफी अच्छा उनका लेवल है, और तीसरा कंप्यूटर साइंस का बहुत थोड़ा सा पोर्शन आता है। तो ये है सिलेबस के बारे में। और बाकी ऑप्शंस में आप फिर बीएचयू से भी एमएससी कर सकते हैं, बीएचयू भी कोई बुरा ऑप्शन ही अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी, उनका स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है। और डीयू के भी कुछ कॉलेज हैं, शायद हिंदू कॉलेज भी और रामजस स्टैटिस्टिक ऑफर करते हैं, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं स्टैटिस्टिक के इंडिया में। तो अगर किसी को भी स्टैटिस्टिक के सिलेबस रिलेटेड कोई डाउट है तो क्लियर कर सकता है अभी। सुमित प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो निकिता दीदी, वेलकम टू टुडेस टॉक। हेलो दीदी, एम आई ऑडिबल? Didi has joined us. So firstly, welcome Didi to today's talk. So my question will be same as I asked to Swetang Bhaiya. The question was that the syllabus analysis of IIT Jam mathematics and entrances of other universities. Is the syllabus of mathematics in IIT Jam different from that of other universities' entrances? No, it is similar up to some extent, but IIT Jam, ये होता है IIT Jam और दूसरा IIT mains and JEE mains and advanced, उससे तो ये काफी different होता है. Pattern JEE mains और advanced का काफी high होता है और इसका comparatively low होता है. बट और बाकी यूनिवर्सिटीज से भी कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट नॉट मच. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और तो यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड. ओके दीदी, थैंक यू सो मच दीदी. सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी हम लोग जैसे कि बहुत कम समय है हम लोग के पास, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट जो आईआईटी जैम के लिए परस्यू कर रहा है या कर रही है, उसके लिए ये वास्ट सिलेबस को इतने कम समय में कवर करना पॉसिबल है, कैसे वो मैनेज करे समय को? निकिता दीदी पहले आपसे. देखो सिलेबस हाँ वास्ट है बट इजीली कवर अप किया जा सकता है उसको प्रॉपर. सबसे पहली बात तो हर एग्जाम के लिए हमें बताया जाता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और फिर ये दो तीन बार उसी चीज को तुम रिवाइज करो. तो जितनी बार तुम किसी टॉपिक को पढ़ो उतनी बार तुम्हें उसके बारे में और नई नई चीजें जानने को मिलेगी. हर बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ये नई बार पहली बार पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो मुझे अब पता चल रही है या मुझे पता नहीं है, पता करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज तो है रिवीजन, दूसरी चीज है प्रैक्टिस. मैथ्स का मतलब ही होता है प्रैक्टिस. जितने क्वेश्चंस लगाओ, जितनी बुक्स सॉल्व करो, उतना तुम्हारा माइंड ओपन होगा हर तरह के क्वेश्चंस फील करने से. तो उतनी कोई वैसे बात नहीं है. एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, अगर दिन में थोड़ा भी मतलब अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है, तो वो आराम से बहुत अच्छी जगह हो सकता है. थैंक यू दीदी. सुतांग भैया आपसे जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. एक्चुअली थोड़ा अजीब लगे
मेंशन इसकी ओवर में ही स्टार्ट की थी, उसके पहले मतलब मैंने सोचा जरूर था मुझे क्लियर करना है, लेकिन पढ़ना अक्टूबर में स्टार्ट, और अक्टूबर है तो भी अक्टूबर स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर मेरा जैम निकल सकता है तो किसी का भी आराम से निकल सकता है। तो और सिलेबस स्टेटिस्टिक का भी काफी मतलब बड़ा सिलेबस है, लेकिन कोई इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है कि ये 3 या 4 महीने में कवर ना हो पाए, 3 महीने सफिशियंट है प्रिपरेशन करने के लिए। ओके भैया, थैंक यू भैया। सो तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हर सक्सेस, जो भी कोई भी सक्सेसफुल होता है तो वो जानना चाहता है कि उसके पीछे की वजह क्या थी। सो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों ने आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिसको आप फॉलो करके आप लोग आईआईटी एग्जाम क्रैक किए। सो पहले मैं शुरू करना चाहूंगा श्वेतांग भैया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है वो तुम्हें बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है डिसिप्लिन। तुम कितना डिसिप्लिन मेंटेन करो। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास दो काम होते हैं एक साथ, साथ में पैरेलली हम लोगों का सेमेस्टर भी चल रहा होता है और हमें जैम के लिए प्रिपरेशन करना होता है, तो हमें दोनों चीजों को अलग रखना होता है। हम किसी एक चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो अब दोनों को करना एक साथ मैनेज, तो तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। मतलब तुम्हें और जो तुम्हारी अदर एक्टिविटीज होंगी, हो सकता है अगर तुम कुछ खेलते हो कोई गेम है तो तुम्हें उधर से टाइम कम करना पड़ेगा, तुम थोड़ा ज्यादा सोते हो तुम्हें उधर से टाइम कम करना पड़ेगा, तो ये कुछ लिमिटेशंस पहले लानी पड़ेंगी। तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो है अपने वीक और स्ट्रांग पोर्शंस पहचानना। सबसे जरूरी चीज है सबसे पहले पहचानना कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और कौन सा मेरा स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उस पर हमें रिलेटिवली कम मेहनत करनी है, और जो हमारे वीक टॉपिक है उन पर ज्यादा मेहनत करनी है। और फिर सब और कुछ चीजों से पेपर पैटर्न से बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। आराम से 1 दिन 2 दिन सिर्फ पेपर पैटर्न देखने पे दो कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन कवर होते हैं और क्या कंटेंट कवर होता है। और हर देखिए हर चैप्टर में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ थोड़े कम इंपॉर्टेंट पर कुछ बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, तो तुम्हें वो सेपरेट आउट करना है सबसे पहले। और फिर उसके बाद सबसे मेन चीज वही है, अपने स्ट्रांग और वीक को पहचानो, और जितनी जल्दी से ये पहचान लोगे उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा प्रिपरेशन करने में। मतलब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है। और दूसरी चीज एक ये है कि मैंने जो किया था, हम अपने वीक का शेड्यूल बना के रखा था कि मुझे इस वीक में ये टॉपिक कवर करना है, अगले वीक मुझे ये टॉपिक कवर करना है, और अगले वीक मुझे ये टॉपिक कवर करना है। और तीसरी एक चीज है जो स्टैटिस्टिक के साथ है, मैथ्स का मुझे नहीं पता, स्टैटिस्टिक में कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब है तो जरूर एक वीपीएम क्लास या कुछ और भी ऐसे करके, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके क्वेश्चंस होंगे तो हो सकता है जब तुम्हें आंसर की मैच करने के लिए दिया जाए तो उनके आंसर्स ही गलत हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, खुद के साथ मैच अप होता है, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे भी फर्क पड़ सकता है अगर तुम ज्यादा टेंटेटिव नहीं हो। तो इससे बेटर क्या है, मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि मेरे पास प्रीवियस ईयर के 7-8-10 पेपर थे जैम के, मैं उन्हें रखता था, 3 घंटे का टाइम देता था, रूम लॉक करता था, लैपटॉप पे पेपर रखता था और एक कॉपी पे सॉल्व करता था 3 घंटे की अकॉर्डिंग, और बाद में आंसर पे डाउनलोड करके खुद उससे चेक करता था। तो उन प्रीवियस पेपर्स को मैंने एज ए आंसर सॉरी टेस्ट सीरीज ट्रीट किया। तो बेसिकली मैंने स्ट्रेटेजी के लिए बस इतना किया, और बस यही है कि अपने स्ट्रॉन्ग और वीक्स पहचानो सबसे पहले। ओके भैया, ये एकदम की मंत्र है जो सब फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। निकिता दीदी आपसे जानना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था मैथमेटिक्स के लिए। देखो सबसे पहले तो जैसा श्वेतांग ने बताया कि अपने वीक और स्ट्रांग पॉइंट को पहचानो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, और फिर ये भी उसने देखा कि हर टॉपिक जरूरी नहीं होता है कि तुम मतलब तुम्हें ये कितना टाइम देना है, हर टॉपिक सेम टाइम नहीं मांगता। फिर हमें ऐसा होता है कि हम लोग बुक्स पता करते हैं तो हर टॉपिक के लिए बहुत सी बुक्स हमें बताई जाती है ये है, बट हमें डिसाइड करना है कि हमें किस बुक को फॉलो करना है और उसी बुक को पूरी लॉयल्टी के साथ फॉलो करना है। जितनी बुक्स हम लगाएंगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सेम ही चीज को अलग अलग लैंग्वेज किया जाता है, तो एक ही बुक फॉलो करो पूरी लॉयल्टी से। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए तो हमें ऑब्वियसली कई बुक्स फॉलो करनी पड़ती है क्वेश्चंस लगाने के लिए। फिर
पहली बात शेड्यूल की, तो एक्चुअली मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, मैंने कोचिंग के थ्रू किया था, तो मेरा यही रहता था कि मैं कोचिंग में मुझे जितना पढ़ाया जाता था इतने में वो मैं कॉलेज से आने के बाद उतना पोर्शन मैं हॉस्टल में बैठ के पूरा पढ़ती थी, बुक्स के थ्रू क्वेश्चन लगाती थी, तो मुझे पता चलता था क्या डाउट्स थे मेरे और वो नेक्स्ट डे क्लियर करती थी। तो यही है, सबसे जरूरी है लॉयल्टी, हम जो कर रहे हैं हमें उसके लिए लॉयल रहना होगा, हमें खुद से झूठ नहीं बोलना है कि हम कितना टाइम दे रहे हैं उससे, ये कर रहे हैं, बट तो जरूरी है सबसे पहले हमें वो देखना है और उसे प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ उसे निभाना है, तभी होगा। थैंक यू सो मच दीदी। चौथा क्वेश्चन ये रहेगा कि होते हैं कि देखते हैं स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं कि वो स्टूडेंट बहुत पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, मैं कम टाइम दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, कुछ कम टाइम में ही उसे सेम टॉपिक को टच कर लेते हैं। थैंक यू दीदी। चौथा क्वेश्चन ये रहेगा कि आईआईटी जैम मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों के ही अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करें तो क्या इस साल का क्वेश्चन पिछले सालों से अलग था, डिफरेंट था, या इजी था, डिफिकल्ट था? तो पहले निकिता दीदी आपसे जानना चाहते हैं कि आईआईटी जैम मैथ्स 2020 का पेपर इस साल का कैसे था। इस साल का तो जैम मैथ्स का पेपर आईआईटी कानपुर ने सेट किया था, बट वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा इजी था, मतलब तो काफी नहीं एक्चुअली कंपैरेटिवली इजी था, तो इस बार का कट ऑफ भी काफी हाई गया था, फॉर जनरल इट वाज 33 पॉइंट्स। बाकी क्वेश्चंस रही बात तो सेक्शन वाइज देखा जाए तो एनएटी जो था उसके क्वेश्चंस काफी इजी थे, डायरेक्टली मतलब सॉल्व करके फॉर्मूला बेस्ड ही थे मोस्टली, और एमएसक्यू थोड़े ट्रिकी थे और एमसीक्यूज एमएसक्यू के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी थे, पेपर तो इजी था ओवरऑल अगर देखा जाए तो, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड। ओके दीदी, स्वतंग भाई आपसे जानना चाहते हैं कि आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर इस साल का कैसे था। अगर इस साल का पेपर देखें 2020 का तो वो भी 2019 के कंपैरिजन में काफी आसान था, मतलब इस पेपर में बस आपको पेन का यूज करना था, कॉन्सेप्चुअली बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे और बस एक स्टैटिस्टिक का पोर्शन है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, उसके क्वेश्चंस अच्छे थे, बाकी स्टार्टिंग के डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन है, स्टैट्स के बच्चे जानते होंगे जो मैं कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन था, रैंडम वेरिएबल का पोर्शन था, ये सब से क्वेश्चन थोड़े आसान आए हुए थे, तो पेपर ओवरऑल आसान था, मैथ्स के भी क्वेश्चन इस साल आसान ही आए थे। अरे और ऐसे पेपर का एक ड्रॉबैक भी था इस साल, मतलब अगर देखें तो एक तो पहले तो कट ऑफ आई गई थी, मतलब हर साल एक्सपेक्ट करते थे कि 50 नंबर पे जनरल सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार शायद वो 55-56 के आसपास थी, और दूसरा ये कि ऐसे पेपर से एक अच्छे बच्चों और एक जो पढ़ने में थोड़ा एवरेज है उन्हें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है जो इस साल फेस करना पड़ा है। हाँ और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, मे भी पेपर आसान था लेकिन वो एग्जाम हॉल में जब आएंगे 3 घंटे के लिए बैठेंगे आपको वो पेपर भी टफ लगेगा, आप पेपर के बाद जब से सॉल्व करेंगे तब जरूर वो आपको आसान लगेगा। थैंक यू भैया। हाँ भैया कंटिन्यू करिए, आप जो बोल रहे थे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, भैया बोलिए बोलिए। तो ये कह रहे थे कि अगर जब भी आप प्रिपरेशन करें ना तो देखिए आपकी प्रिपरेशन ना दो फेज की होती है, पहला होता है कि एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन और जो मेन होता है वो होता है उन 3 घंटे की प्रिपरेशन, ये थोड़ा मेरा वीक पॉइंट था, मेरी पहले की प्रिपरेशन से
मेरे पहले के पेपर्स अच्छे जा रहे थे, मतलब मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहा था उसमें मेरे 80s या 90s में भी मार्क्स आ जाते थे। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी की थी उसमें मेरे 80s में या 90s में मार्क्स आ जाते थे, लेकिन हुआ क्या मैं वहां पे जाके थोड़ा प्रेशर नहीं मैनेज कर पाया, तो फिर इसका ड्रॉबैक भी हुआ। वहां पे जाके करके तो आ गए, लेकिन वापस आके जब आंसर की मैच की तो लगा बॉर्डर लाइन लटक है, हो सकता है क्रॉस हो जाए, हो सकता है वापस आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो वहाँ का प्रेशर है ना वो मैनेज करें। मतलब वहाँ पे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि दो क्वेश्चन का आंसर मेरा सही है और गलती से मैंने कुछ और टिक कर दिया, तो ये चीजें मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ पहले की प्रिपरेशन ही नहीं देखनी, हमें वहाँ के लिए भी मैनेज करना है, खुद को तैयार करना है वो प्रेशर हैंडल करने के लिए। हाँ भाई, ये सही बात है, आपने सही बात बोला कि प्रेशर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो 3 घंटे का हम लोग जो भी एग्जाम्स अटेंड कर रहे हैं उसका प्रेशर अगर हम लोग इजिली हैंडल करें तो दैट विल बी द बेस्ट वन। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो बुक्स पढ़ते थे आप वो रेकमेंड करना चाहेंगे आपके जो भी अटेंडीज है। श्वेतंग भाई, आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से बुक्स रेकमेंड करना चाहेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए। बिल्कुल, पहले तो स्टैटिस्टिक के लिए बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक में एक जो हम लोगों के सेमेस्टर में ही किताब चलती है, गुप्ता एंड कपूर, बहुत फेमस किताब है स्टैटिस्टिक की। तो आपको पहले वो सॉल्व करनी, उसे सॉल्व करना, उसे आपको पढ़ना नहीं है। थ्योरी पढ़ने के लिए मैं दूसरी बुक बता रहा हूँ, उसे सिर्फ आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी कौन से, सिर्फ एग्जाम्पल्स। आपको उसकी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज IIT जैम के सिलेबस के रिगार्डिंग अच्छी नहीं है उसकी। फिर थ्योरी के लिए किताब को जो पढ़नी है वो है हॉग एंड क्रेग, तो ये भी शायद बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस किताब है। तो आपको उससे थ्योरी पढ़नी और उसकी भी एक्सरसाइजेस जरूर सॉल्व करें, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वेरिएंसी उनमें अच्छी है और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है। और उसके बाद अगर आप स्टैटिस्टिक में ये दोनों आपका अच्छे से हो जाता है और आप चाहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम बचा है, हम कुछ और लेवल भी जाना चाहते हैं, तो एक किताब आती है VK रोहतगी, वाइली पब्लिकेशन की, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ है। तो उसके लिए मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आपसे वो सॉल्व हो रही है तो सॉल्व करें, नहीं हो रही है तो उसे छोड़ दें, उसके क्वेश्चन जैम में नहीं आएंगे, उसके क्वेश्चन जो जिस जो लेवल है उसका वो ISI में आता है। तो कोई जरूरी नहीं उसे सॉल्व करना, लेकिन आपके पास अगर टाइम बचा है, आपको लग रहा है आपकी स्टैट्स काफी अच्छी हो गई, तो आप उस पर ट्राई जरूर मार सकते हैं। मतलब एक अगर रेफरेंस के लिए उसका लेवल कुछ ऐसा है जैसे हम लोग JEE की प्रिपरेशन में फिजिक्स में IEROTO सॉल्व करते थे, कुछ वैसा ही है। फिर दूसरी चीज है स्टेट्स के साथ जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके लिए आप तो स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस का पोर्शन, तो सेमेस्टर की कोई बुक शांति नारायण उठा सकते हैं। और जब आप शांति नारायण, फिर से वही शांति नारायण अगर लगे आपका पूरा हो गया, तो आप एक किताब है बार्टले एंड शर्बर्ट करके रियल एनालिसिस की, तो आप उसे उठा सकते हैं। और फिर लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है, अब स्टैटिस्टिक में हम लोगों से दिक्कत है कि लीनियर अलजेब्रा हम लोगों को सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया जाता, वो हम लोगों को खुद से करना होता है। तो आप बेसिक लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए एक किताब आती है जिसके PDF नेट पे मिल जाएगी, गिलबर्ट स्ट्रैंग उसका ऑथर है, मुझे एग्जैक्टली किताब का नाम नहीं याद है, ऑथर है उसके गिलबर्ट स्ट्रैंग, नेट पे PDF मिल जाएगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसकी थ्योरी थोड़ी इजी लैंग्वेज में, क्वेश्चन भी आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आपको फर्दर लगता है कि लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, तो एक किताब है BHU के बाहर जो लंका पे कुछ बुक स्टॉल्स थी वहां पे मिलती है, उसका नाम है संवेदना पब्लिकेशन की किताब है, तो उधर से लीनियर अलजेब्रा की किताब उठा सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतनी बुक्स बहुत है, मोर देन सफिशियंट। ओके भैया, निकिता दीदी आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से बुक्स रेकमेंड करना चाहते हैं IIT जैम मैथमेटिक्स के लिए। IIT जैम मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है रियल एनालिसिस, उसके लिए एक बुक तो है FC मलिक जो हमें सेमेस्टर्स में भी प्रेफर की गई थी, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए हम लोग ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। और एक और बुक श्वेतंग ने बताया वो भी काफी अच्छी बुक है, बार्टल एंड शर्बर्ट की, वो भी मतलब रियल एनालिसिस के लिए काफी सही बुक है, उसकी लैंग्वेज भी काफी इजीली अंडरस्टूड है। फिर मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थियरी उसके लिए जोसेफ गैलिन की कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वो बुक काफी अच्छी है, उसके क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं उसके, अगर सॉल्व करो तो उसके PDF भी इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा के लिए हम लोग देखते हैं तो लीनियर अलजेब्रा के लिए एक तो गिलबर्ट स्ट्रैंग जैसे श्वेतांग ने बताई,
फिर एक है लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रीडबर्ग एंड स्पेंस, ये पीडीएफ मार्केट में अवेलेबल है, और फिर वेक्टर कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है। इन सब के लिए कोई भी नॉर्मल बुक लाइक आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। दीदी बहुत जनों का प्रॉब्लम था कि आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो आप एक काम करिए, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए बुक्स जो भी है, तो ताकि सबको पता चल जाए, ताकि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके दीदी, सो हियर कम्स द एंड ऑफ द फर्स्ट। ओके दीदी, ओके बुक चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हाँ, बुक्स में टाइप कर दे रही हूँ, बट वन मोर थिंग, जो भी मैं बुक्स बता रही हूँ वो सब मेनली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर प्रैक्टिस पर्पस से देखा जाए तो संवेदना पब्लिकेशंस की हर टॉपिक के लिए संवेदना पब्लिकेशंस के बुक से अगर प्रैक्टिस किया जाए तो वो काफी हेल्पफुल होती है। बट ये है कि उसके क्वेश्चन, उस बुक में मिसप्रिंट काफी ज्यादा होती है, आंसर की भी काफी मिस्टेक्स होती है, बट प्रैक्टिस के लिए वो बहुत सही है टॉपिक के लिए। और बाकी बुक्स मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दे रही हूँ। ओके दीदी, ओके। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर टॉक। सो अभी टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें। अगर आप डायरेक्टली पूछना भी चाहते हैं तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सो प्लीज। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, और यू आर ऑडिबल। तो मेरा क्वेश्चन निकिता दी से है। यस निकिता दी, मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, और मुझे डाउट है कि आपने वो, जैसे कि मैथ्स में दो सेक्शंस हैं, थ्योरी पार्ट है पूरा और एक कैलकुलस वाले पार्ट है, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस एंड ओडी हो गया, तो आपने कैसे मैनेज करा था दोनों को साथ में? लाइक आपने पहले थ्योरी पूरा पढ़ा फिर कैलकुलस वाले, या फिर दोनों को साथ लेके किया? लाइक दोनों को कैसे साथ लेके चलना है, मेनली वही दिक्कत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने कोचिंग के थ्रू अपनी स्टडीज की थी, प्रिपरेशन की थी, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही थी। जैसे सबसे पहले उन्होंने रियल एनालिसिस से स्टार्ट किया था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की थी, मतलब सबसे लास्ट में कैलकुलस क्वेश्चन और इट इज बेटर एक्चुअली। मॉडर्न अलजेब्रा की स्टार्ट करो तो सही जाती है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स काफी बड़े बड़े होते हैं। ओके, थैंक यू दी। और ये कैलकुलस क्वेश्चन है, तो इसमें मेनली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, और Any more questions? Hey, Sumit. Hello.
हेलो श्वेतांक, मुझे नहीं लग रहा है शायद कोई क्वेश्चन है, तो मैं कुछ एंड में जरूर ऐड करना चाहूंगा स्टैटिस्टिक वाले बच्चों के लिए खासकर. देखो स्टैटिस्टिक के साथ एक प्रॉब्लम है हमारे बनारस में कि कोई कोचिंग नहीं है स्टैटिस्टिक की, तो इस वजह से हम लोगों को कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है. तो इसके लिए स्टैटिस्टिक के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने सीनियर से हेल्दी रिलेशनशिप जरूर बना के रखें, क्योंकि उन्हें सिर्फ गाइडेंस वही दे सकता है. बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग्स अवेलेबल है बनारस में, वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें वहाँ से कंटेंट मिलता रहता है, लेकिन आप लोगों स्टैटिस्टिक वालों के साथ ऐसा नहीं है. तो इसलिए वो अपने सीनियर्स के कॉन्टेक्ट में जरूर है, और इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था. एक्चुअली एक सीनियर है हम लोगों के जो तुम्हारे साथ सुपर सीनियर है, वो IIT कानपुर में है, मेरी उनसे रेगुलर बात होती थी, मतलब हर वीक हम उनसे डिस्कस करते थे कि मतलब कैसी प्रोग्रेस चल रही है, आगे क्या करना चाहिए. तो इसलिए आप लोग भी जरूर स्टैटिस्टिक्स से जो है वो अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट में जुड़े रहिए, वो आपको बहुत बेटर तरीके से समझा पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है. तो दैट्स ऑल. Sumit, I don't think there is any question, so we can conclude the session. Let's wait for a while. Actually, Nikita Didi is typing some books, so let okay, us okay, type sure. so that happen. Okay. मैंने बुक्स चैट बॉक्स में मैसेज कर दी है सारी, बट अगेन आई विल रिपीट कि जो ये सारी बुक्स सिर्फ मेनली थियोरेटिकल पर्पस के लिए है, और प्रैक्टिस के लिए संवेदना पब्लिकेशंस की बुक्स बेस्ट रहेंगी. रही बात कोचिंग की, तो मैथ के लिए बनारस में दो दो कोचिंग्स हैं, एक सुंदरपुर पे है ग्रैब क्लासेस और एक दुर्गाकुंड पे है IMS कोचिंग, जो कि जहाँ दोनों ही जगह सेम पढ़ाई अच्छी होती है दोनों ही जगह. मैंने ग्रैब क्लासेस से किया था, और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो दो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, डिप्स अकेडमी की और करियर एंडेवर की. तो इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि एंडेवर और डिप्स टेस्ट सीरीज में काफी डिफरेंस होता है, उन दोनों के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. करियर एंडेवर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टिप्स के डिप्स अकेडमी के मुकाबले काफी इजी होते हैं. लाइक डिप्स अकेडमी के अगर कोई टेस्ट सीरीज अगर कोई एक भी टेस्ट देता है तो पहली बार में मेरे तो 20-30 के बीच में आते थे सारे मार्क्स, तो मैं काफी टेंस थी कि क्या इतनी प्रिपरेशन के बाद भी यही सिचुएशन है. टीचर ने बताया कि टिप्स का पैटर्न काफी ज्यादा हाई रहता है, मतलब वो IIT के अलावा भी जैम के अलावा भी और भी जो प्रिपरेटिव एग्जाम्स होती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनके उन्हें भी ध्यान में रखे अपने टेस्ट पेपर सेट करते हैं. तो अगर टिप्स के टेस्ट में हमारा 25-30% भी मार्क्स आता है तो हमें मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी प्रिपरेशन सही जा रही है, और अगर उससे भी अच्छा आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम. भैया देयर इज अ क्वेश्चन, श्रोतांग भैया के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन टॉपिक्स दैट वन शुड फोकस ऑन स्टैटिस्टिक्स. ये क्वेश्चन आयुष पुप से है आपके लिए श्रोतांग भैया. देखो मेन टॉपिक जिसपे फोकस करना है तो सबसे पहले तो पहला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो आपको सबसे पहले तो उस पर आपका अच्छा कमांड होना ही होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रैंडम वेरिएबल, वो पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर डिस्ट्रीब्यूशंस में कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है जिन्हें हम कम इंपॉर्टेंट में गिन सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं. और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है
पॉलीनोमियल से कम आते हैं, हाइपरसिमेट्रिक से कम आते हैं, कम ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आप ही है। उसके बाद जब कंटिन्यूस में बात करते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली गामा डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बीटा के बारे में थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन ले सकते हैं, मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आगे जब बात करते हैं तो सैम्पलिंग तो खैर हम लोगों के सिलेबस में ही नहीं है, उससे छोड़ देते हैं। फिर इन्फ्रेंस का पोर्शन है, इन्फ्रेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रेंस में से इस वहां पे एक टॉपिक आता है एस्टिमेशन का, जहाँ पे हम लोग MLE के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मेथड ऑफ मूवमेंट्स। तो वहाँ पे आपको शायद क्लास में 3-4 मूवमेंट्स पढ़ाए जाएंगे और बुक में 6 दिए होंगे। तो वहाँ पे आप सिर्फ MLE पे कंसंट्रेट करिए और मेथड ऑफ मूवमेंट्स पे कंसंट्रेट करिए, बाकी सब छोड़ सकते हैं। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पोर्शन आता है, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल स्टेटिस्टिक में जितना भी पोर्शन सिलेबस में है उसमें तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि कम इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस से क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है इसके मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक के पेपर में। और फिर ऐसे लीनियर अलजेब्रा में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। और स्टेट्स को आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये कॉमन क्वेश्चन होगा आप दोनों के लिए, कि व्हाट इज द सुइटेबल टाइम टू जॉइन कोचिंग बिफोर एग्जाम। ये कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। आई थिंक बेटर निकिता आंसर करे क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी थी। बेटर टाइम का मैं तो ये तो डिपेंड करता है एक स्टूडेंट पे। एक्चुअली मिनिमम 3-4 मंथ्स तो चाहिए ही प्रिपरेशन के लिए। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जनवरी से ही कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने। तो उन्होंने लगभग सितंबर अक्टूबर सिलेबस मैप किया था। बट मेरे कोचिंग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो जिन्होंने जून से स्टार्ट किया था, जिन्होंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। एक का ऑल इंडिया रैंक 30 था, उसने जून से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। लास्ट टाइम पे वो थोड़ा पैनिक भी हो गया था कि मतलब उसे थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। बट ये है कि कॉन्फिडेंस हमें प्रॉपर मेंटेन करना होगा। सारा पढ़ना टेस्ट सीरीज छपना था। फिर लास्ट वन वीक में उसे लगा कि नहीं अब बस यही टाइम है, मैं या तो निकाल ही लूं या तो फिर मैं निकल ही जाऊं। बट उसने काफी अच्छा स्कोर किया, 30th rank, मच बेटर, 76 मार्क्स थे उसके। तो टाइमिंग की बात करें मिनिमम 3-4 मंथ चाहिए प्रिपरेशन के लिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है श्रेयांक। एनी मोर क्वेश्चंस? I think Divyanshu, we must wind up. Yes, we can. We also announce tomorrow's session. Sorry. There is a question again from Ayush Pusp this is for you, Shwetang Bhaiya. Question is that is self study sufficient to crack jam? If yes, then how can one align themselves for this? देखो सर, BHO के बारे में एक बहुत कॉमन सी चीज है कि BHO से अभी तक स्टैटिस्टिक में जिसने भी जैम निकाला सबने सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि बनारस में स्टैटिस्टिक की कोई कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन कोई भी अच्छी कोचिंग स्टैटिस्टिक की नहीं अवेलेबल है। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है जो अच्छी, वो या तो दिल्ली में है या तो कोलकाता में। तो BHO से जो भी स्टैटिस्टिक निकालते हैं जैम में, और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बच्चों ने स्टैटिस्टिक में जैम का पेपर इसी साल क्लियर किया 2020 में, शायद 14 या 15 बच्चों ने। तो उसमें से आठ बच्चे कानपुर में और शायद 7 IIT बॉम्बे में। तो मतलब पूरी प्रिपरेशन तुम्हें खुद से ही करनी पड़ेगी क्योंकि कोई कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है।
और फिर से वही चीज है, बस अपने पोर्शंस पहचानो, किस पे तुम्हें कम वर्क करना है, किस पे ज्यादा वर्क करना है, उन्हें सेपरेट आउट करो, फिर उस हिसाब से वर्किंग करना शुरू करो। और जब तुम खुद ही मतलब जैसे जैसे करते जाओगे तुम्हें चीजें अपने आप क्लियर आउट होती चली जाएंगी। और हाँ, बस वही चीज जरूरी, एक किसी अपने सीनियर से जरूर कॉन्टेक्ट करो जो पढ़ने में अच्छा रहा हो या जिसका जैम का रिजल्ट अच्छा रहा हो। ओके भैया, आयुष, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर नाउ। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को भी डाउट है फ्रीली पूछो, तुम्हारे करियर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो हेलो, हाँ योर वॉइस इज ऑडिबल, सुन पा रहे हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो क्या अभी से मुझे जैम के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए या फिर लास्ट ईयर तक मतलब वेट करना चाहिए या फिर अच्छा कुछ? सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स। देखो, प्रिपरेशन शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता, आप जितना जल्दी हो आपके लिए उतना अच्छा है, आप अभी से कर सकते हो। पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा था, वहाँ पे आपको थ्योरम्स कराई जाती हैं, थ्योरम्स के प्रूफ कराए जाते हैं, थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन जैम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, गुप्ता कपूर से एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, आप जितना जल्दी करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू भैया। एक रिक्वेस्ट आया है कि अगर आप दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करें तो दे कैन बी इन टच विथ यू, सो दे वांट दैट दे मस्ट बी इन टच विथ यू ताकि आपसे कुछ डाउट सॉल्व कर सके। मैं अपना चैट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ। ओके, Dibyansu, can we wind up now? If there is no any questions left, then we can continue. So, any more questions from audience? Any more questions? Okay, so there are no more questions. Miss, I would like to hear something. Yes, Didi. Yes, Didi. Sure. Jam ki preparation ke liye mostly hum log practice pe zyada focus karte hain. Actually, kisi bhi competitive exams ke liye hum log sochte hain ki jitne zyada questions lagaye. Aur bahut baar aisa hota hai ki theory pe hum log utna dhyan nahi dete hain. Like theorems hum log pad lete hain, but uske proofs kya hain, kaise honge, us pe hum utna notice nahi karte hain, avoid karte hain. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम मिले उतना बुक्स पढ़ने की कोशिश करो, उतनी थियरी ही पढ़ो ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ कि आप एक्चुअली क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। पर नहीं तो ऐसा होता है कि एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, बट आगे जब हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तब हमें फील होता है कि बहुत सी चीजें जो हमने इग्नोर कर दी और हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। Okay, Didi. Thank you so much, Didi, for this piece of advice. And here comes the end of the third day
up Topper Stock series. I would like to thank Shwetang Bhaiya and Nikita Didi for being a part of today's talk and sharing their preparation strategy, books that one must recommend, and also how one can successfully crack ITSAM examination. So I thank both of you for being a part of this talk. Thank you so much, Shwetang Bhaiya and Nikita Didi. I have one more question. Hello. Yeah, please ask. Hello. Yes, you are audible. Shwetang Bhaiya, actually, jaisa ki aapne kaha ki zyada question karne ke liye, to question matlab iske liye koi particular website ya fir koi book aap recommend kare? Nahi, actually, Ranveer, ek cheez hai. मैं बताना चाहूंगा, देखो स्टैट्स की फील्ड में क्वेश्चंस बहुत ही कम है हम लोगों के पास. ये हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम रहती है. मेरे साथ भी ये हुआ था कि जनवरी में मेरे पास स्टैट्स के लिए कोई बुक नहीं बची थी लगाने के लिए, और फिर मैं सिर्फ मैथ सॉल्व कर रहा था. तो एक मेरा ऐसा नुकसान हुआ था कि मेरे पास एंड में स्टैट्स में कुछ चीजें भूल भी गया था, क्योंकि प्रैक्टिस खत्म हो गई थी. मैंने जनवरी तक लगाया था और पेपर था फेब में 9 फेब को, मतलब जनवरी के स्टार्ट में स्टैट्स बंद कर दिया था, क्योंकि स्टैट्स का कंटेंट ना बहुत लिमिटेड है. कोई बुक्स नहीं है हम लोगों के लायक, कोई वेबसाइट्स नहीं ऑफर करती है अच्छे क्वेश्चन. हाँ, तुम टेसरीज डिप्स एकेडमी के ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो भी कुछ बहुत बेनिफिशियल नहीं है स्टैट्स के फील्ड में. हाँ, और मैथ्स के लिए तुम जितना प्रैक्टिस करना चाहो उतना कर सकते हो. मैथ्स के लिए बहुत सी बुक्स मिलेंगी. ओके, थैंक यू. हाँ, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. सो एक सेकंड सुमित. हाँ, जरूर भाई. हाँ, ठीक है. जो स्टैटिस्टिक के बच्चे हैं उनके लिए ये बात ऐड कर रहे हैं. देखो, ऐसा होता ना कि स्टैटिस्टिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर जेएमएस सेलेक्ट हो जाएंगे तो आगे चल के आपके पास प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं. आप सबको पता होगा जो भी स्टैटिस्टिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आईटीएस में काफी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा. अब होता क्या है, आप वहाँ पे जाएंगे ना तो आपके साथ जो दूसरे कॉलेजेस के बच्चे होंगे, वहाँ पे डीयू के बच्चे होंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, सेंट जेवियर्स के बच्चे होंगे, और भी कई कॉलेज से होंगे. तो होता क्या है कि बीएचयू के बच्चे उनसे कुछ चीजों में पीछे रहते हैं. वो क्या है कि हम लोग, आप लोग जो भी स्टेटिस्टिक के हैं, अब कुछ लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आपको लास्ट समय एक प्रोजेक्ट मिलेगा करने के लिए. हम लोग वो बहुत सिंसियरली नहीं करते हैं. अब होता क्या है, जो वहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल के बच्चे होंगे या डीयू के बच्चे होंगे, वो लोग इस चीज में बहुत सिंसियर होते हैं. अभी कुछ बच्चों का मैंने रिज्यूमे देखा, जो मेरे बैचमेट हैं, उनके एक्चुअली दो या तीन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है, और हम लोगों को एक बनाना होता है, हम लोग वो भी सिंसियरली नहीं करते हैं. और दूसरी बहुत मेजर चीज है कि बीएचयू में इंटर्नशिप का कोई ट्रेंड नहीं है. बीएचयू में इंटर्नशिप कोई नहीं करता है. तो मैं कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का जेम अगर क्लियर हो जा रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो आपका जब बीएससी खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएंगे, सबको बाद में लमसम 1 या 1.5 महीने 2 महीने का गैप मिलता है जब नेक्स्ट कॉलेज को आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले. तो अगर पॉसिबल हो तो उस टाइम पे आप इंटर्नशिप जरूर कर लेना. क्योंकि अभी हुआ क्या कि जैसे मैं आईआईटी कानपुर में गया, तो वहां पे हम लोगों से रिज्यूमे बनाने के लिए कहा गया. तो मैंने अपना रिज्यूमे दिया, लेकिन अब क्या था कि कुछ ज्यादातर बच्चों ने इंटर्नशिप करके रखी हुई है. तो अब मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता था बीएचयू में कुछ इंटर्नशिप जैसा होता है. और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे एडमिशन लेते ही 2 वीक के अंदर मुझे कह देंगे कि अपना रिज्यूमे बना के दो. तो मेरे पास रिज्यूमे लिखने के लिए कुछ बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था. तो आप लोग कोशिश करना कि जैसे आपका जैम खत्म हो जाए अभी 9 या 10 फरवरी को, तो अगर आपको ISI या CMI के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए. अगर नहीं करनी है तो आप अपनी लिए सर्टिफिकेट्स बिल्ड करना या इंटर्नशिप करने के लिए फोकस जरूर करिए. तो इसे अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो आपको जब IIT में आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो वहां पे भी इंटर्नशिप मिलने में आपको ईज रहेगा, और साथ में आपको प्लेसमेंट में ये बेनिफिट देगा. हेलो सर. ओके भैया. हेलो सर, आई एम ऑडिबल. आईया शो सर. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क सर, what mistake we should not do while preparing for IIT JAM mathematics and statistics, because we generally do don't a lot of mistakes that I want to mistakes from your like experience. Like what we don't have to sir, kehte ki kisi cheez pe hum log ko zyada focus nahi karna chahiye like that, because we kisi नहीं. देखो, अभी तुम लोगों के पास सफिशियंट टाइम है, अभी तुम मिस्टेक्स कर सकते हो. तुम्हें मिस्टेक्स नहीं करनी है उन 3 घंटों में जहाँ पे आप तुम्हारा एग्जाम होगा. तो अभी अगर मिस्टेक्स नहीं करोगे तो फिर सीखोगे नहीं. अभी मिस्टेक्स करो. लेकिन हाँ, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा कि
कम से कम एक या दो दिन का टाइम सिर्फ अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने पे दो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अगर तुम मैथ्स का जेम का पेपर देखोगे और स्टैट्स का जेम का पेपर देखोगे, जो दोनों में मैथ्स का कॉमन पोर्शन है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा या इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उनका पोर्शन देखोगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैथ्स का पोर्शन काफी टफ है, स्टैट्स का कंपैरेटिवली इजी है। तो पहले उसे एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें किस पे वर्क करना है। अब जैसे कि मैथ्स के लिए अभी जैसे निकिता ने कहा कि अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम अगर थ्योरम्स पढ़ते हो तो तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने, तुम्हें उनके प्रूफ्स भी देखने हैं, तुम्हें थ्योरी भी अच्छे से कवर करनी है। लेकिन स्टैट्स के लिए तुम प्रूफ्स इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं स्टैट्स के पेपर में, जो मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट है उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं मैथ्स के केस में भी, थ्योरम्स के प्रूफ्स मैंने जैम के पेपर के लिए नहीं बोले। पेपर में तो थ्योरम्स अगर हम पढ़ते हैं तो उतना सफिशिएंट है, सिर्फ स्टेटमेंट्स अगर हम पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो। बट जब प्रूफ्स की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है एमएससी की, तो उस टाइम ऐसा होता है कि जिन थ्योरम जिन प्रूफ्स को इग्नोर करते हैं उन्हें वहां पर प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं स्टैट्स के कंपैरिजन में, तो हमें जरूरी है कि अगर हमें अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो हमें सबसे पहले तो अपना रिज्यूमे बिल्डअप करना होगा, लाइक इंटर्नशिप्स एंड ऑल। इस मैथ्स में भी, मैथ्स में एक्चुअली ज्यादा जरूरी है इंटर्नशिप्स, और डाटा साइंस है, डाटा साइंस की आज के टाइम में बहुत डिमांड है। तो बेटर होगा कि आपके पास जितना टाइम मिले आप डाटा साइंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितना हो सके आप सीख पाओ, उतने सर्टिफिकेट्स आप कलेक्ट कर पाओ। तो जितनी आपको नॉलेज होगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डाटा साइंस से रिलेटेड, आपके प्लेसमेंट में उतना ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सर। भैया एक एक जो इंटर्नशिप के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा और कैसे? देखो इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन है तो उसका देखो, इंटर्नशिप कई तरीके से होती है। एक होती है रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप जो कई यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी भी करती है, IITs भी करती है, ISI भी करती है, और भी DU करती है, और फिर कुछ होती है जो प्रोफेशनल इंटर्नशिप होती है जो कंपनीज में होती है। उसके लिए तुम कुछ इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, तुम उस पर जाके अपने लिए कोई कन्वीनियंट इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, और ऐसे ही ऑनलाइन तुम्हें बहुत से कंटेंट मिल जाएंगे जिसपे तुम्हें इंटर्नशिप के बारे में पता चलेगा, कई वेबसाइट्स हैं। सो वी कैन एंड नाउ। I think that there are no more questions. So, once again, I thank Shwetang Bhaiya and Nikita Didi for being a part of today's talk and sharing their experiences. I thank both of you for for being a part of today's talk. Thank you so much, Didi and Bhaiya. Welcome, Sumit. You're welcome. So, tomorrow is Sunday and we have a surprise for all of you. So tomorrow is Sunday and as I said, we have surprise for all of you. Tomorrow we will be having two talks under Success Mantra Topper's Talk series. The first talk will be held tomorrow sharp at 12 p.m. in which the first part of the interdisciplinary course will be targeted. So we will be having Arnab Ghosh Bhaiya, who is now pursuing his master's at IIT Kharagpur in the field of molecular and chemical medicine, and also he's an awardee at ISSRPF. And also we will be joined by Ananya Thakur Didi, who has cracked the BHU MSc Forensic Science Entrance 2020 with an All India Rank 2.
And as scheduled, the second part, the second talk will be held tomorrow sharp at 5 p.m. And the schedule says that we will be having the talk based on earth science. We will be joined by 4 speakers. So earth science basically comprises of geology, geophysics, and geography. So we will be joined by Ashwini Kumar Bhaiya, who has cracked the IIT JAM geology entrance examination with an All India rank 13. And he is now pursuing his master's at IIT Bombay. We will be joined by Amrik Mondal Bhaiya, who is pursuing his master's in geophysics at IIT Bombay. Also, we'll be joined by Shivangi Srivastav Didi, who has cracked BHU MSc geophysics entrance examination with an All India rank 1. And finally, we will be having Yash Gupta Bhaiya, who has cracked BHU MSc geography entrance 2020 with an All India rank of 12. So we will be meeting tomorrow. Thank you so much to our speakers, Spritang Bhaiya, Nikita Didi, once again, and also to our attendees who attended today's meeting. Thank you so much, everyone. Thank you, Spritang Bhaiya and Nikita Didi. Thank you very much for joining us. You're welcome. You're welcome.